छोटे बच्चे की टेस्ट बनी, इसका नाम जुवराज है और ये जलंधर के रहने वाले हैं और ये बच्चा भी 2.5 महीने का है और जून 2022 में जब इसका जन्म हुआ था तो उसके बाद अचानक ही रात को एक बार इसको बहुत तेज फीवर हुआ और इसकी बॉडी जो थी एकदम से कांपनी शुरू हो चुकी थी। उसी समय इनकी मदर ने जब अपने बच्चे को फीड दी तो उसका पेट जो था वो पूरी तरह फूल गया था और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी सूज चुकी थी। और फिर उसकी फैमिली ने जब इस बच्चे को जब हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पे उसे भर्ती किया गया, आईसीयू में मशीनों में रखा गया, डॉक्टर ने जब उसके टेस्ट किए और बताया कि आपके बच्चे के ब्लड में और पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है और ब्लड भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम रह चुका है और उसके पेट की नसों में बहुत ज़्यादा सूजन आ चुकी है और नसों में जकड़न आने के कारण नसों का आपस में गुच्छा बन गया है जिस कारण इसके पेट का इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए हॉस्पिटल वालों ने जो बच्चों के स्पेशलिस्ट उनके पास डॉक्टर थे उनको उन्होंने कॉल करके बुला लिया और ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बच्चे की पूरी फैमिली इतनी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि बच्चा बिल्कुल भी होश नहीं कर रहा था, उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, वो अपनी मदर की फीड भी नहीं ले रहा था और बॉटल से दूध दे रहे थे वो भी वो ले नहीं पा रहा था, टॉयलेट नहीं आ रही थी बच्चे को। और इनके बच्चे को 15 दिन कंटिन्यू आईसीयू में रखा गया था, लेकिन ये बहन वहीं पर मौजूद थे इनके मौसी और इन्होंने जब इनको पता था चर्च के बारे में और इन्होंने anmhospitalprayerline@gmail.com के ऊपर अपने उस बच्चे की प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा, तो 4 सितंबर 2022 को संडे मीटिंग के दौरान अपोस्टल जी आपने इनके बच्चे के ऊपर जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर की थी। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। नाम में चंगे हो जा, गवाही देने के लिए तुम फोन खुद करोगे क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें चंगा कर रहा है राइट नाउ। तुम खुद कॉल करके बताओगे कि मैं चंगी हुई हूं। चंगाई ग्रहण करो इन जीसस ने। युवराज सिंह तू हील हो रहा है राइट नाउ इन जीसस ने। और अपोस्टल जी आपने उस बच्चे का स्पेशल नाम लेके उसके लिए प्रार्थना की और उसी समय एकदम से परमेश्वर की सामर्थ उस बच्चे में एंटर हुई और उसी टाइम जब डॉक्टर ने दोबारा से इसके सारे टेस्ट किए, डॉक्टर खुद इतना हैरान था क्योंकि इनके बच्चे के सारे टेस्ट सेम टाइम पूरी तरह से नॉर्मल आए और डॉक्टर खुद हैरान होकर इनसे पूछने लगा कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। इन्होंने बताया कि यीशु मसीह ने हमारे बेटे को चंगा किया, नेक्स्ट डे इनके बच्चे को डिस्चार्ज मिल गया, इसको घर लेके वापिस आए और ले हैंड के बाद इनके बच्चे को मशीनों से निकाल दिया गया, उसकी सारी पेट की बीमारी खत्म हो चुकी थी। आपने कहा कि ऑपरेशन से बिल्कुल कुछ सेकेंड कुछ मिनट पहले इस पे प्रेयर हुई थी, जब ऑपरेशन होना था उससे कुछ समय पहले इस पर प्रेयर हुई थी। हाँ जी। और जब प्रेयर हुई तो डॉक्टर हैरान कैसे हुए? डॉक्टर पहला कहने के प्रेशर इधर होना आया। जब प्रेयर के बाद क्या हुआ? ते बाद जो जिधर जैसे पापा जी प्रेयर की थी कि मैं उन्होंने कहे कि जिनकर प्रेयर खत्म नहीं होती मैं अपना बच्चा नहीं तानू देना हैगा। वो कहने चल कोई गल नहीं तुसी प्रेयर करवा लो, बाद चो एरा एक्सरे में के मैं करवाना है फिर ऑपरेशन करवावांगे। ते वो फिर कहने कहने चलो ठीक है जिदा तुसी कहोगे। मैं कह के जिनकर प्रेयर नहीं होती मैं अपना बच्चा तानू नहीं दे सकदा। प्रेयर के बाद डॉक्टर क्या हुआ फिर? बाद चो फिर मैं प्रेयर खत्म हो गई, बाद चो फिर अद्धे घंटे बाद वो लेके गए फिर एक्सरे करने वास्ते, एक्सरे नॉर्मल आया। सुना परमेश्वर थप्पड़ मार रहा है कुछ लोगों के मुंह के ऊपर। हाँ बोलते हॉस्पिटल में जा। अरे ये हॉस्पिटल वाली गवाही है, हॉस्पिटल आईसीयू वाली। बहन जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम बलजीत कौर। एड्रेस दसो थोड़ा की है। बलजीत कौर केड़ा पिंड है? करतारपुर दे। करतारपुर च केड़ा पिंड है? पिंड सुरखा। तड़ा नाम की है? मेरा नाम बलजीत कौर। तड़े फादर दा हस्बैंड दा या सोरे साहब दा नाम सारे ना दसो। इन्हें दे पापा दा नाम हैगा मनजीत सिंह। हाँ। इन्हें दे दादा जी दा नाम हैगा दर्शन सिंह। ओके ते रहंदे किथे हो तुसी? सुरखा पिंड। हाँ जी रामगढ़ दे लागे सुरखा पिंड। और तुहाडे घर दे आसपास कोई मशहूर चीज केड़ी है? जगह आ बाबे शहीदां दी। ओके उत्थे तुसी रहंदे हो? हाँ जी। तो मैंने एड्रेस बोल दिया है, अगर इसको खरीदा हुआ तो साबित कर दो। और अगर सुना एलियन है ना, एलियन पूरे अमेरिका में वो एलियन दिखे, वो एलियन कभी नहीं दिखे किसी को, वैसे धर्म परिवर्तन है, बोलते सभी हैं, प्रूफ किसी के पास नहीं क्योंकि है ही नहीं। सुनो हम वो चर्च हैं, मेरे पास एक आदमी आया 2000 पता नहीं काफी देर की बात है ये, जब मैं मेरे पास आया मुझे बोला मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे,
मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा तो ये मसीह में बना नहीं रहेगा। जब मैं उसके साथ बात कर रहा था ना, पंजाबी नहीं था वो व्यक्ति, जब मैंने उससे बात की तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा ये क्रिश्चियन नहीं रहेगा। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं तेरी हेल्प नहीं करता ना तो तू मसीह में नहीं रहेगा। मैंने कहा मैं तेरी हेल्प कभी नहीं करूंगा। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हेल्प से परमेश्वर में आए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो दिल से खुदा को ग्रहण करें। अरे लालच देना तो दूर की बात है, अगर अब मुझे लगता है ना कि ये बंदा अगर मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा तो क्रिश्चियन नहीं बनेगा, मैं बोलता आज वापिस चल, आज दफा हो यहां से, तेरी जरूरत नहीं परमेश्वर को। तो यहां से पैसे लेकर क्रिश्चियन बनेगा, वहां से लेकर कुछ और भी बन जाएगा। लेकिन जो दिल से यहोवा को मानते हैं, अरे तुम उनके गले पे तलवार भी रख दोगे वो तब भी यहोवा के हैं। तुम क्या डरावों की बात कर रहे हो? अरे 12 लोगों को डराना चाहा, 400 करोड़ हो गए हम। 12 चेलों को डराना चाहा, 400 करोड़ हो चुके हम। अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग? ये वो टेस्टमनी है जो हॉस्पिटल के अंदर है। अरे मैं कितने हॉस्पिटल जा सकता हूं? 1, 2, 3। मेरे साथ अब भी हॉस्पिटल से लोग जुड़े हैं। देखो पीछे, मारो उस कैमरा उस पे, वो देखो पीछे टीवी पे, ये देखो, ये लाइव जुड़े हुए हॉस्पिटल से, अलग अलग हॉस्पिटल से, सैकड़ों हॉस्पिटल से लाइव जुड़े हुए, अभी भी मीटिंग में प्रेयर होगी अभी इनपे। कौन से हॉस्पिटल की बात कर रहे हो? अरे हॉस्पिटल में प्रार्थना होती है हर संडे हर थर्सडे। ये वही केस है, बेबी हुआ, मदर फीड लेने के दौरान एकदम से पेट फूल गया, फीवर हो गया, एकदम से बेहोश हो गया, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं की, 15 दिन आईसीयू में। पिक्चर है उस बच्चे की, दिखाना साथ में आईसी, हाँ इसको जूम करना। 15 दिन पेट में गुच्छा बन गया, पेट का ऑपरेशन करना था, पेट के ऑपरेशन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाए गए, और जिस दिन ऑपरेशन होना था इस बहन ने कहा मुझे प्रेयर करवानी है, प्रेयर के बाद हम देखेंगे क्या करना है। उन्होंने कहा ठीक है आप प्रेयर करवा लो, कोई बात नहीं। उस प्रेयर को फिर से सुनेंगे। खुदा के नाम में चंगे हो जा। गवाही देने के लिए तुम फोन खुद करोगे क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें चंगा कर रहा है राइट नाउ। तुम खुद कॉल करके बताओगे कि मैं चंगी हुई हूं। चंगाई ग्रहण करो इन जीसस ने। युवराज सिंह तू हील हो रहा है राइट नाउ इन जीसस ने। अब बताओ क्या करना है? हाँ अगर परमेश्वर है तो चमत्कार है। या तो बोलना बंद कर दो कि परमेश्वर है। ये कौन कर रहे हैं? पवित्र आत्मा कर रहे हैं, परमेश्वर कर रहे हैं। आप किसी बाबे की जगह पे नहीं है जहां बाबा जी बहुत बलवान हैं। ये बाबा जी भी आप ही से निकले हुए हैं। इन नशों से, इन पापों से परमेश्वर ने मुझे फ्री किया है। आमीन। और ये प्रीच, ये मिरेकल्स होते थे, हैं और रहेंगे। डोंट वरी। अब जाओ इनसे पूछो, एड्रेस बोल दिया मैंने, शरेआम मैं एक भी बार इनसे मिला नहीं हूं, अभी तक नहीं मिला हूं। जाओ देखो। अरे बड़े से बड़े स्ट्रिंग ऑपरेशन हो जाते हैं, इतने इतने बड़े मीडिया कर्मी बैठे हैं, इतना धर्म परिवर्तन अगर हुआ तुमसे एक स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं हो सका। हालेलुया। अगर मुझे परमेश्वर ने चुना है, उसने उसी तरह आपको चुना है। जब परमेश्वर उसी तरह उनको भी चुन लेगा, वो भी यही बात बोलेंगे कि यीशु परमेश्वर है। फिर लोग उनको भी बोलेंगे तुमने पैसे लेके धर्म परिवर्तन कर लिया। हालेलुया। वो एक कार्टून सीरीज आती है, उसमें ऐसे एक मगरमच्छ है और नहीं, दो भैंसे खड़ी हैं और ऐसे सामने लकड़ी का लट्ठा पड़ा है। एक भैंस कह रही है मगरमच्छ है, दूसरी कहती नहीं लकड़ी का लट्ठा है। एक कह रही नहीं नहीं मगरमच्छ है, दूसरी कह रही नहीं लकड़ी का लट्ठा है। जो लकड़ी का लट्ठा कह रही थी उसने ऐसे मारा उसके ऊपर, मगरमच्छ के ऊपर, उसने पकड़ के खींच लिया वापिस। हाँ फिर दूसरा आया, दूसरी भैंस आई,
कहती नहीं ये लकड़ी का लट्ठा ही है, मतलब जब तक मैं खुद टेस्ट नहीं कर लूंगी मानूंगी नहीं। अब परमेश्वर खुद टेस्ट करवाएगा उन लोगों को कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। और आपने सब लोगों के लिए प्रेयर करनी है, आमेन। अपनी अपनी गवाहियां इंटरनेट के ऊपर अपलोड करो, अपनी अपनी गवाहियां यूट्यूब पे डालो, अपनी अपनी गवाहियां हमें भेजो फेसबुक के ऊपर, हम डालेंगे आपकी टेस्टिमनीज को। लोगों को मालूम होगा कि कोई धर्म परिवर्तन नहीं, ये हृदय परिवर्तन है। आमेन, आमेन। यहां कौन सा अंग्रेज बैठे हैं जो हजारों करोड़ों रुपए भेज रहे हैं? आप ही की ऑफरिंग से भवन बन रहा है,